हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवान बसीन। वेलकम बैक टू द चैनल द इन्वेस्टोलॉजी। सो गाइस, मैं थोड़े टाइम से एक्टिव नहीं था मार्केट के अंदर बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी बहुत ठीक नहीं थी, बट आज थोड़ी देर पहले ही मैं थोड़ा बहुत ठीक हुआ, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बनानी चाहिए। एंड मार्केट बहुत बहुत ज़्यादा ही गिर चुकी है, तो किस तरीके से प्लानिंग करनी है, क्या मार्केट पुराने तरीके से दोबारा गिर सकती है, क्या मार्केट में एक क्रैश आ सकता है, बहुत सारे आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन चल रहे होंगे, तो आज मैं सब लोगों का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो एक बार चलते हैं अपने स्क्रीन सेटअप पे एंड देखते हैं कि क्या मार्केट का सेटअप है, यूएस मार्केट का क्या सेटअप है, बॉन्ड डील्स का रिएक्शन क्या हो रहा है, एंड स्टॉक्स की भी कुछ बात कर लेते हैं। चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप। तो जैसा कि हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, मैंने निफ्टी का अभी मंथली टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है एंड मंथली टाइम फ्रेम पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट ऑलमोस्ट अगर मैं आप लोगों को शो करना चाहूंगा, गिव मी अ सेकंड। फ्रॉम दिस लेवल टू इट्स हाईएस्ट पॉइंट ऑलमोस्ट 145% तक बढ़ी। ठीक है, एंड उस 145% की मूवमेंट पे अगर आप देखोगे तो कोई फॉल नहीं आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि जिस लेवल तक ये गया है, उस लेवल से ऑलमोस्ट उसका 38% तक भी फॉल नहीं करा है। आप यहाँ चेक कर सकते हो, अगर मैं फिबोनाची रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 38% भी एग्जैक्टली एट दिस लेवल निकल के आ रहा है, जो कि 14,350 का लेवल है। सो फ्रॉम आर साइड मार्केट में अभी कोई ऐसा क्रैश, कोई ऐसा करेक्शन की नीड नहीं है। अगर ये 50% तक भी आता है तो भी हम इसे एज अ क्रैश नहीं बोलेंगे। ठीक है, यस, हम इसे एज अ करेक्शन जरूर बोल सकते हैं बट एज अ क्रैश नहीं बोल सकते। तो हमें ये थोड़ी बहुत चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब पॉइंट ये आता है कि अगर ये क्रैश नहीं है तो बड़ी सडन मूवमेंट, बड़े सडन फॉल्स हमें देखने को नहीं मिलने वाले। अगर करेक्शन है तो डेफिनेटली मार्केट नीचे जाएगी, उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक लेगी एंड उसके बाद फिर से नीचे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, बहुत ईजी वे पे चलेगी। ठीक है, अब पहले हम प्रोसेस समझ लेते हैं। अभी हम लोगों ने मंथली टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है और ना मंथली टाइम फ्रेम आप चेक कर सकते हो कि ये एक विक जोन था। मैं आपके सामने ये हटा देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ चेक कर सकते हो, ये वाली जो कैंडल थी इसने एक विक क्रिएट करी, नेक्स्ट मंथ भी एक विक क्रिएट करी, इसके ऊपर नहीं गया एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ ऑलमोस्ट 3 महीने तक इस रेंज के ऊपर नहीं गया। फाइनली 4th मंथ में इसने एक ब्रेकआउट दिया, 2 महीने साइडवेज रहा एंड उसके बाद एक ब्रेकआउट आया। आफ्टर अ ब्रेकआउट आप चेक करोगे, ये कैंडल का विक है, इस कैंडल का विक है, इस कैंडल का विक है, बिल्कुल मार्केट इनडिसाइसिव है। साइडवेज तो हम बोल ही नहीं रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि मार्केट एक इनडिसाइसिव है। ठीक है, तो इस इनडिसाइसिव मार्केट पे ये जो ब्रेकआउट लेवल था जहां से पॉज लेके ये ऊपर गया था, अभी तक उस लेवल को भी टेस्ट नहीं करा है। जो लेवल निकल के आ रहा है 15,500 रुपीज के आसपास का। सो पहली बात हमें ये समझनी है कि कोई भी जो ब्रेकआउट लेवल था, जो रिसेंट ब्रेकआउट लेवल था ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम, वो भी अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, तो वहां पर भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। इतना पता है कि मार्केट करेक्शन फेज पे है, क्रैश के फेज पे नहीं है, तो मार्केट बहुत इजी वे पे नीचे जाएगी। यस, अभी बहुत सडन न्यूज़ आ रही थी और मार्केट डाउ जोन्स और हम यूएस मार्केट को देखें तो वो बहुत शार्पली फॉल कर रहे थे। अगर हम बॉन्ड डील्स यूएस और इंडिया की चेक करें तो वो बहुत शार्पली राइज करी थी, तो उसकी वजह से था ये एक दो दिन में सेटल हो जाएगा एंड मार्केट पुल बैक ले गया, पुल बैक पे हम दोबारा शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब चीज़ क्या समझने वाली है। अभी जो सबसे बढ़िया सपोर्ट है दैट इज 15,480 to 15,500 का, अगर वो लेवल ब्रेक होता है सो नेक्स्ट आर टारगेट शुड बी दिस लेवल, जिस लेवल पे इसने एक रिजेक्शन फेस करा था बट क्लोजिंग उसके नीचे नहीं गई थी। सो ये जो लेवल निकल के आ रहा है दैट इज 14,800 to 14,570 का, तो इस रेंज के आसपास ही हम अपना पूरा काम करें। बट अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मार्केट ज़्यादा फॉल नहीं करी। आई पर्सनली थिंक कि मार्केट शायद अगर कल फॉल करना चाहती है तो कल या परसों थर्सडे की एक्सपायरी तक कर सकती है, जो कि टारगेट हम 15,480 मान के चल सकते हैं एंड वहाँ पर हम लोग एक बाय करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज एक सडन मूवमेंट के साथ ये वाला लेवल नहीं आएगा, 15,000 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा। सो फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव कि 15,500 एक सपोर्ट ले सकता है, वहाँ पर हम एक पुल बैक पे एक ऑल्टरनेटिव ट्रेड ले सकते हैं, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड ले सकते हैं, बट विद अ इंट्राडे पर्पस। कोई भी कैरी ऑन पोजीशन हमें ओवरनाइट पोजीशन बाय साइड में कैरी नहीं करना है। ठीक है, ऑन अ डेली टाइम फ्रेम अगर हम लोग स्टडी करें, सो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये एक लेवल था जिस लेवल पे हॉल्ट कर रहा था, इस लेवल के नीचे ब्रेक डाउन दिया, गैप अप एंड ऊपर गया। अगर आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करोगे, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, हमें इसकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस की नीड नहीं है। ठीक है, अगर आप मान रहे सपोर्ट ब्रेक हुआ इसको इग्नोर कर दो, बट कैंडल स्टिक स्ट्रक्चर को अगर आप समझो, या आप देख रहे हो कि एग्जैक्टली इससे थोड़ा नीचे और एग्जैक्टली इससे थोड़ा नीचे, ये कैंडल का फॉर्मेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि ये लोअर हाई एंड लोअर लो है।
सिंपल बेसिस पर अगर हम ये चीज को समझें, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर हमें कल बाय चांस हमें लगता है कि यहाँ पर नीचे का तो लेवल हम मान के चल रहे हैं आए, हम चाहते हैं कि अच्छी बात है यहाँ पर आए, तो हम एक पुल बैक की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई लेवल लग नहीं रहा कि पुल बैक का एक अच्छा हमें मिल सकता है इंटेंशन। सो अगर कल ये वाला लेवल, ये बॉक्स अगर ब्रेक होता है, यानी कि अगर आज का लो ब्रेक होता है, तो हम क्लियरली शॉर्ट पोजिशन बना लेंगे निफ्टी के अंदर। बट अगर जब तक इस रेंज के अंदर है, इस रेंज के अंदर आई पर्सनली थिंक हमें कोई ट्रेड लेने की नीड नहीं है, इस रेंज के अंदर अगर रहेगा कल, तो हम स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे। ठीक है, इस रेंज के अंदर हम स्टॉक स्पेसिफिक हैं, इस रेंज के नीचे और ऊपर हमारा बाय और सेल सिग्नल जनरेट होगा। ठीक है, एक बार स्टडी कर लेते हैं बैंक निफ्टी को भी, एंड लेट मी ओपन अ मंथली टाइम फ्रेम फॉर यू। ओके, सो ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी को अगर आप चेक करोगे, तो एग्जैक्टली ये लेवल था, दिसंबर 2019 की बात है, जहां पर ये 32,000 से ऑलमोस्ट 16,000, ऑलमोस्ट 50% तक फॉल कर चुका। ठीक है, एंड आफ्टर दैट इस लेवल से ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट करा, ऊपर गया, एंड अगेन इसने रीटेस्ट करा उसी लेवल पे आया। सो हम ये चीज मान के चल सकते हैं कि अभी भी बैंक निफ्टी ने भी कोई ऐसा बड़ा फॉल नहीं दिखाया जो हमें लगना चाहिए। ये तो अभी सपोर्ट पे आ रहा है, जिस सपोर्ट पे अभी 4 महीने पहले था। ठीक है, तो ऐसा कोई ब्रेकडाउन नहीं है, हम ये चीज समझनी है। बस ये जो सडन गैप डाउन वाली फॉल आ रही है, और उसके बाद मार्केट पूरे टाइम साइडवेज है, वॉलेटाइल है, ठीक है, इनडिसाइसिव है, सॉरी आई एम नॉट सेइंग वॉलेटाइल, आई एम सेइंग इनडिसाइसिव है मार्केट, तो वहां पर ट्रेड करना इज वेरी 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 डिफिकल्ट। स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करना इज वेरी डिफिकल्ट, मार्केट को ट्रेड करना इज वेरी डिफिकल्ट। अभी मार्केट पे अगर हमें पैसा कमाना है निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो स्कैल्पिंग करके हम लोग कुछ पॉइंट्स अर्न करके वो सबसे बढ़िया तरीका है। बट अभी मेरे हिसाब से मार्केट जब तक इस फेज में है, तब तक हम स्टॉक स्पेसिफिक से भी थोड़ा दूर रहें, जब तक हमें एक पॉज नहीं मिल जाता, एक अच्छा सपोर्ट नहीं मिल जाता, तभी हम स्टॉक्स के अंदर एंटर करेंगे। तो मैं आज आपको 3 स्टॉक्स तो बता ही दूंगा, उसमें से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि जब ये ब्रेकआउट देंगे तब हम अपने एंट्री ले सकते हैं। सो बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, तो सबसे बेटर सपोर्ट जो आ रहा है वो आ रहा है 32,680 से लेके 32,300 तक का। सो फ्रॉम माई थिंग, मैं अपना पर्सपेक्टिव अगर आपके सामने रखूँ, तो हम लोग शॉर्ट तो कर सकते हैं, जस्ट लेट मी शो यू। ठीक है, ये एक लेवल है, ये आप लेवल देख सकते हैं, एग्जैक्टली ये वाला बॉक्स भी क्रिएट हुआ है। ठीक है, इस बॉक्स पे भी हम लोग अपना एक ट्रेड सेटअप, अगर ये वाला लो ब्रेक होता है, तो डेफिनेटली आज के लो पे हम लोग अपना एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। फर्स्ट टारगेट शुड बी 32,700 और थोड़ा ऊपर रख लेना, 32,800 रख सकते हो, 300 पॉइंट भी काफी है। एंड इसके नीचे जाना स्टार्ट करता है, तो हम अपने ऊपर के कॉल्स को शॉर्ट कर सकते हैं, ना कि नेकेड पुट ऑप्शंस बाय कर सकते हैं, वो हमारे लिए सेफ एंट्री हो सकती है विद प्रॉपर हेज। इसके नीचे विद प्रॉपर हेज कर सकते हैं, यहाँ पर हम सीधा इतने गैप के लिए हम लोग अपना एक सिंपल ट्रेड ले सकते हैं, बट इसके नीचे हम लोग एक हेजिंग के साथ ट्रेड्स को बना सकते हैं। बेसिकली अभी यही है मार्केट के अंदर, अगर हम लोग चेक करें आर इंडेक्स, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं डाउ जोन्स, तो अच्छा खासा फॉल कर रहा है, क्लियर बेसिस पर फॉल कर रहा है। ठीक है, इसका अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक अच्छा सपोर्ट मुझे देखने को मिल रहा है, जहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है। बट जब तक ये आएगा, आई पर्सनली थिंक हमारा मार्केट भी आ सकता है। ठीक है, तो वी शुड इन दैट वरी। एंड इसके अलावा US का बॉन्ड यील्ड आप क्लियरली देख सकते हो किस तरीके से रोज कर रहा है, एंड अभी कुछ दिन पहले 3 पे था, और अब 3 से ऑलमोस्ट ये 4, 3.5 तक पहुंचने भी वाला है। आप ये इंडिया का हमारा चेक कर सकते हैं, तो यस डेफिनेटली इसको चलो अभी के लिए इग्नोर करते हैं, एंड लेट्स फोकस ऑन स्टॉक्स। सो आर फर्स्ट स्टॉक इज पार इंडस्ट्री। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं, लेट मी ओपन दिस फॉर यू। ऑन अपार इंडस्ट्री यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, एक अच्छा क्लियर हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है इस लेवल पे, एंड इसका एक बहुत प्रॉपर ब्रेकआउट भी हमें देखने। ठीक है, तो आई पर्सनली थिंक कि हम इसको ले सकते हैं। एंड इसके अलावा लेट मी जस्ट ओपन अ वीकली टाइम फ्रेम, एक वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक हेड एंड शोल्डर बना है लॉन्ग टर्म पे, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट मई 2017 पे जो बना था वो वाला का ब्रेकआउट इसने रिसेंटली दिया, क्लोजिंग दिया, विच इज अ गुड साइन। सो अपार इंडस्ट्री का भी ट्रेड कर रहा है 864 रुपीज, अगर मार्केट गिरती है और ये भी गिरता है, तो आर बेस्ट बाय जो हमें लगता है जो बेस्ट बाय बन सकता है वो 820 के आसपास बन सकता है। So what we can do is, अगर ये 800 के आसपास आता है, हम इस पर डेफिनेटली एक एंट्री ले सकते हैं। और सेकेंड स्टॉक इज लोधा। लोधा ये स्टॉक मेरे पास बहुत टाइम से रिडार पे है, एंड ये गिर नहीं रहा है बिल्कुल भी, जिस तरीके से आप देख सकते हैं लास्ट फ्यू डेज में मार्केट गिरी है, ये बिल्कुल भी नहीं गिरता है, इसी लेवल पे कंस्ट्रेंट है, और यहाँ वॉल्यूम एडिशन सबसे ज्यादा इसके ऊपर नहीं जा रहा। सो वट वी कैन डू इज, जो अभी करंट प्राइस चल रहा है 1097, तो हमें क्या करना है कि जैसे ही 1118 के ऊपर जाता है, तो हम अपना एक बाय सेटअप ट्रेड ले सकते हैं। बट अगर ये 15 या 30 मिनट्स की कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम्स का एडिशन बहुत ज्यादा, और इसके ऊपर ही अभी तक नहीं गया है,
तो जैसे ही इसके ऊपर जाएगा आफ्टर अ वेरी लॉन्ग रेंज ऑफ कंसोलिडेशन हम एक अच्छी मूवमेंट देख सकते हैं जो ऑलमोस्ट 1200 रुपीज तक इसको लेकर जा सकती है, तो हम लोधा को एज अ वॉचलिस्ट रख सकते हैं। सो हमारा लास्ट स्टॉक है दैट इज लिंडा इंडिया। ये भी पर्टिकुलर एक ऐसा ही स्टॉक है जो इस मार्केट पे ज्यादा फॉल नहीं करा है और बिल्कुल अपने सपोर्ट पे ही पॉज ले रहा है। आप चेक कर सकते हैं एक अच्छी रेंज थी, इस पर्टिकुलर रेंज का इसने ब्रेकआउट दिया एंड ब्रेकआउट के बाद इसने अभी रिसेंटली यहाँ पर एक रीटेस्ट करा था। इस रीटेस्ट पे इट क्रिएटेड अ हायर लो एंड अब यहाँ से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो मेरे को पर्टिकुलरली लगता है कि अभी जो 3019 का लेवल है, अगर ये 3038 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो हम अपने एक बाय सेटअप ले सकते हैं। इसके जो मैं टारगेट्स एग्जामिन कर रहा था वो 3800 मिनिमम है, बट उसके लिए मैं चाहता हूँ कि एक बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिले। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक को 3100 3200 पे भी बाय करते हैं तो भी हमारे पास बहुत चांसेस होंगे। सो व्हाट वी कैन डू इज अभी हम लोग स्मॉल क्वांटिटीज पे ट्रेड लेंगे अगर ये ब्रेकआउट देता है। आफ्टरवर्ड्स अगर ये और ऊपर जाता है वी विल ऐड सम क्वांटिटीज, ठीक है। नीचे हमें बाय नहीं करना, हमें इसे ऊपर ही बाय करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को गाइस वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई है लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं बिकॉज वहां पर हम लोग बहुत सारे इन्फोग्राफिक पोस्ट बना रहे हैं जो आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल कर सकती है एंड मैं वहां पर भी लाइव आने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा वी हैव लॉन्च्ड आवर ओन ऐप जिसपे आप लोगों को प्रीमियम कंटेंट मिल सकता है देखने के लिए, तो आप वहां पर जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, सबका यूज करिए एंड आपको बहुत नॉलेज मिल सकती है। हैव अ गुड डे, मैं आपसे मिलता हूँ।